इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप जूम पर कुछ भी काम करते हैं, जूम में मीटिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो आप जूम के अंदर जब मीटिंग वगैरह चल रही होती है, आप जब वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, तो उसमें बैकग्राउंड में जो है वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे लगाया जा सकता है या नहीं, या फिर लगाया जा सकता है तो किस तरीके से आप वर्चुअल बैकग्राउंड को इनेबल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो काफ़ी सारे लोगों को जूम में जो है अब ब्लैक स्क्रीन होती है, मतलब बैकग्राउंड जो है ब्लैक रहता है आमतौर पर जब भी हम कोई क्लास वगैरह या फिर मीटिंग वगैरह या फिर वीडियो कॉल वगैरह चल रही होती है, तो उसमें बैकग्राउंड पीछे ब्लैक रहता है। बट काफ़ी सारे लोगों को जो है वर्चुअल बैकग्राउंड लगाना होता है, या फिर आपने काफ़ी बार देखा भी होगा कि कई सारे लोग वर्चुअल बैकग्राउंड लगा देते हैं। तो कैसे लगाते हैं वो पहले समझते हैं। तो जूम का जो एप्लीकेशन है एज अ मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो जूम हम सर्च करते हैं, तो जूम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको जो है वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन अभी तक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जब आप कोई वर्चुअल बैकग्राउंड देखते भी हैं किसी के साथ चैट वगैरह करते समय, तो वो बेसिकली उनके पीछे ओरिजिनली उन्होंने उस तरह से उसका सेटअप वगैरह किया होता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिससे मतलब आप जिसका देख रहे हैं जूम के अंदर, तो वो पीसी के अंदर जो है अपना जूम इस्तेमाल कर रहा है। जूम अगर आप पीसी के अंदर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं पीसी के अंदर। उसके लिए अलग अलग सेटिंग्स आपको करने पड़ती है, देन आप जो है पीसी यानी कंप्यूटर के अंदर जब जूम आप चलाओगे तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। बट एज अ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर मोबाइल में आप जब वेबसाइट वगैरह खोलोगे, तो उस केस में आपका जो है वर्चुअल बैकग्राउंड काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपको इस तरीके का मतलब वर्चुअल बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जूम रूम्स कंट्रोलर का एक एप्लीकेशन आता है, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, जूम की वेबसाइट से आता है। तो इससे आप जो है अपनी जो जूम की मीटिंग्स वगैरह होती है तो उसको कस्टमाइज़ कर पाओगे, उसको कंट्रोल कर पाओगे, जो भी मतलब आपकी सेटिंग्स वगैरह है वो इससे कर पाओगे अगर आप चाहते हैं। बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन में ये सब फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। एक तो आप जो है अपने पीछे उस टाइप का बैकग्राउंड लगा लीजिए जिससे कि आप ब्लैक जो है देखने को ना मिले। मेरे आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।